वेलकम बैक गाइज एक्स एम्पायर की जो गेम है भाई जान वो वापस आ चुकी है और अभी आप अगर गेम ओपन करेंगे तो आपका लेवल वन से शुरू होगा और यहाँ पे जिस तरह हमने शुरू में गेम शुरू की थी वैसे ही टैप टैप इसमें करना पड़ेगा आपको और ये इसका सेकंड फेज है यानी इसका जो चिल फेज़ है वो वाला है और इसमें जितनी भी आप वर्किंग करेंगे जितने भी आप लेवल अचीव करेंगे जितनी भी आप डेली टास्क करेंगे क्वालिटी वर्क ऐप के ऊपर आप करेंगे उतना आपको सेकेंड फेज़ में एयर ड्रॉप मिलेगा ठीक है तो आप बाईजान दोबारा से ये फ़ेज़ इन्होंने शुरू कर दिया है और अब इवन कंपटीशन है और अब जो भी इसमें मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा और इसमें जो टास्क हैं वो आपने इसमें जल्दी जल्दी अपने देख लेने हैं और यहाँ पे जिस तरह हमारा डेली का रिवार्ड होता था यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो पहले दिन का जो रिवार्ड है वो पाँच हज़ार टोकनज हैं पाँच हज़ार पॉइंट्स कह लें और उसके बाद वॉलेट जो है टोन का ये कनेक्ट करना है फिर अगेन टॉन की जो ट्रांजेक्शन है वो इन्होंने मांगी है और इसमें इन्होंने क्या है कि जी इम्प्रूव करना है आपने प्रॉफिट पर आर उसके अलावा इम्प्रूव सपोर्ट है फिर इसके अलावा जो टेलीग्राम का चैनल है इसको आपने ज्वाइन करना है और इसके आपको अट्ठाईस हज़ार कॉइन्स मिलेंगे और यहाँ पे इसको भी मैं क्लेम कर लेता हूँ और इसके अलावा अगर मैंने दोस्तों को इनवाइट किया तो जब से ये गेम ऑफ हुई है ना आपके जो रेफरल के लिंक है वो काम कर रहे हैं तो आपके भी जितने लोगों ने आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन किया होगा आपको उनके जो रिवार्ड्स है वो मिलेंगे ठीक है तो वो भी आपने यहाँ पर क्लेम कर लेने हैं और उसके बाद आप अगर सिटी में आएंगे तो सिटी में आप देख सकते हैं कि आपका ट्रेड एन इन्वेस्टमेंट हाइप जोन लकी बॉक्स और कम्यूनिटी जो है ये आपके सारे अभी लॉकड हैं और सिर्फ प्रीमियम स्टोर जो है ये आपका इस टाइम ओपन है और यहाँ पे प्रीमियम स्टोर का मतलब है कि आपको इसके ऊपर थोड़ा सा टोन खर्चना पड़ेगा इसमें लेवल थ्री में सारी ऑप्शंस अनलॉक हो जाएंगी और जो एन वाला है वो लेवल फाइव पे जाके अनलॉक होगा और इसमें इम्प्रूव में आके तो आप देख सकते हैं कि हमें शुरू में माइनिंग मिल रहा है फिर उसके बाद ऑफिस है और फिर पर्सनल है अच्छा इसमें ना इन्होंने हमें बताया है कि आपका जो एयर ड्रॉप है उसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरह की गई है और आपको एयर ड्रॉप किस तरह मिलेगा तो इसमें जब आप एयर ड्रॉप पे आएंगे यहाँ पे तीन लाइंस पे क्लिक करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि जो मेन फेज़ है जो कि थर्टियथ सितंबर को ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और उसकी सारी एक्टिविटी जो है इन्होंने रिकॉर्ड कर ली हुई है और उसकी जो काउंटिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो अंडर प्रोसेस है और उसका जो एयर ड्रॉप जितना, जितना जितना भी लोगों का बनेगा वो इन्होंने देना है और ये जो अभी चिल फेज है जो अभी चल रहा है ये ऑलमोस्ट दो हफ्ते के लिए होगा और इसमें इन्होंने कहा है कि देर इज अ कम्पिटिशन बिटवीन प्लेयर्स फॉर एन एडिशनल एयर ड्रॉप ज्वाइनर्स तो ये जो चिल फेज है अब इसमें इवन अपॉरचुनिटी है इवन कम्पिटिशन है तो अब जो बंदा इसमें आगे आना चाहेगा मेहनत करेगा तो वो आगे आ सकता है और एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप जो है उसके लिए एलिजिबल हो सकता है और एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप जो है वो इसकी टोटल सप्लाई का पाँच परसेंट इन्होंने देना है जो कि थर्टी फोर पॉइंट फाइव बिलियन कोइन्स बनते हैं एक्स के ठीक है और उसके बाद आप अगर नीचे देखेंगे तो नीचे इन्होंने डिटेल लिखी हुई है जो मेन क्राइटेरिया है जो सीजन वन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें जो आपकी क्वान्टिटी है और क्वालिटी ऑफ इन्वाइटेड फ्रेंड्स हैं एक चीज़ वो है दूसरा आपका जो प्रॉफिट पर आर था कितना ज़्यादा था दूसरी चीज़ वो है और तीसरा आपने उसके अंदर कितने टास्क जो हैं कंप्लीट किए थे तो टास्क में आपके इम्प्रूवमेंट्स भी आते हैं आपके जो कार्ड्स हैं आपके जो लेवल्स आपने अपग्रेड करने होते हैं वो भी आते हैं सिटी में भी आपके इन्वेस्टमेंट जो है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके कार्ड्स अनलॉक करने होते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाना होता है और इसी तरीके से आपके जो माइनिंग है इसमें टैप तो आपने ऑलरेडी करना है और यहाँ पे जो यूट्यूब की वीडियोज आती हैं और रिडल और रिबस के जो पॉइंट्स हैं वो आपने कितने क्लेम किए हैं और इसी तरीके से जो डेली रिवार्ड है वो आपने कितने दिन तक क्लेम किया है तो ये सारी चीजें जो है मिलकर आपका एयर ड्रॉप जो है वो कैलकुलेट करेंगी और ये है इसका प्राइमरी क्राइटेरिया ठीक है जिन लोगों ने ये क्राइटेरिया पूरा किया उन सबको एयर ड्रॉप मिलेगा और इसके अलावा जिन लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया है उनको एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप मिलेगा यानी जिन लोगों ने अपने वॉलेट को कनेक्ट किया और जीरो पॉइंट फाइव टाउन की ट्रांजेक्शन की और इसी तरीके से जो इसके अंदर परचेजिज उन्होंने की जिसमें डोनेशन को परचेज किए और जिन लोगों ने टेलीग्राम प्रीमियम को यूज किया तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के एडिशनल एयर ड्रॉप उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने ये वाले काम किए हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक्स एम्पायर का जो चिल फेज है वो हमारा शुरू हो चुका है और यहाँ पे आप देखते हैं भाईजान के कितना कितना लोग इसके ऊपर अर्न करते हैं तो अब कंपटीशन जो है बराबर है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कर लें और जो अभी एयर ड्रॉप है वो अब डिपेंड करेगा कि हमें एयर ड्रॉप इसमें कितना मिलता है अगर एयर ड्रॉप हमें अच्छा मिल गया तो भाईजान जबरदस्त काम हो जाएगा और जिस मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लिस्टिंग डेट है इन्होंने भी अपडेट किया था कि अक्टूबर के मिड के बाद होगी ठीक है तो सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर यानी पंद्रह अक्टूबर के बाद इसकी जो लिस्टिंग होगी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे हो जाएगी और जिसके एन एफ हैं वो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और जितने भी लोगों के पास एन एफ टीज उनको सिक्सटी नाइन थाउजेंड टोकन मिलेंगे और एक्स एम्पायर की एक अपडेट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सप्लाई है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी टोकनोमिक्स और इसकी जो टोटल सप्लाई है उसके ऊपर शायद हमें को रिवीजन देखने के लिए मिल जाए तो एक चीज़ आपने जेन में रखनी है कि अगर इसकी सप्लाई जो है इन्होंने बढ़ा दी तो फिर इस टोकन की जो प्राइस है जितनी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी ऊपर नहीं जाएगी और जो एन की प्राइस हैं वो भी डंप होंगी ठीक है और आपने ये चीज़ जेहन में रखनी है तो अगर इसकी सप्लाई जो है वो उतनी रहती है जितनी इन्होंने बताया है हमें छः बिलियन तो फिर शायद इसकी प्राइस पर इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े लेकिन अभी जो चिल फेज इन्होंने शुरू कर दिया है जिसमें पांच परसेंट मजीद सप्लाई लोगों को देने जा रहे हैं तो उससे जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें इजाफा हो जाएगा ठीक है तो गैस एक्स एम्पायर जो है लेवल टू मेरा इसमें अपग्रेड हो गया है तो आप लोग भी अगर टाइम है तो इसको आप कर लें और अपने रिवार्ड जो है वो इसमें कलेक्ट कर लें